हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय किचन। कैसे हो आप सभी? आज हम बनाएंगे बिल्कुल ठेले वाले जैसी चना चाट। बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही हेल्दी। तो फ्रेंड्स, चना चाट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये चने लिए हैं। इन्हें मैंने रात भर भिगो दिया था पानी में। अब इन भीगे हुए चनों को हम कुकर में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और पानी और चनों को 5 या 6 सीटी आने तक अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। चने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम चने का मसाला बना लेंगे। इसके लिए 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा डालेंगे काला नमक और सफेद नमक, और हम 1 टीस्पून के करीब डालेंगे गरम मसाला। अब इसमें हम डालेंगे पानी और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को रख देंगे साइड से। पैन में डालेंगे हम सरसों का तेल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद में डालेंगे जीरा, थोड़ी सी डालेंगे हींग और कटी हुई अदरक डाल देंगे। इसके बाद में हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, इसे हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें हम कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हल्की सी भून चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने ये मसाला तैयार करके रखा था। मसाले को लो फ्लेम पर ही भूनेंगे जिससे ये जलेंगे नहीं। मसाला अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें हल्के हल्के से तेल अलग होने लगा है मसाले से। अब इसमें हम डालेंगे बॉईल किए हुए चने, इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऊपर से नमक या मसाला कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। चने अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज, कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इसके बाद में उबले हुए आलू के मैंने पीस कर लिए थे, इसे हम डाल देंगे। इसके बाद में डालेंगे कटा हुआ खीरा, इसके बाद डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और डालेंगे चटपटी हरी चटनी, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे 1/2 नींबू का जूस और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद में इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अब गार्निशिंग के लिए ऊपर से डालेंगे कटी हुई हरी प्याज, कटा हुआ हरा धनिया और डालेंगे थोड़े से टमाटर। अब इसमें डालेंगे बारीक वाले सेव। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ठेले वाले जैसी चटपटी चना चाट। बाजार के ठेले पर ऐसे ही तो मिलती है। दोने में चाट बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।